अपरोक्ष अनुभूति में कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसे रंग का चश्मा लगाता है उसे वैसा ही दृश्य हरा लाल नीला पीला प्रतीत होता है। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि हो जाने पर सर्वत्र ब्रह्म की ही अनुभूति सर्वत्र ब्रह्म ही अनुभूति में आता है। फिर लोग जिस तत्व को भी देखते हैं एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी उनकी दृष्टि में नहीं आता है। जिस स्वर्णकार आपके उपयोगी अलंकार बनाता है और वो राजा महाराजाओं के करोड़पतियों के पूज्य भगवान भी बना देता है, सिंहासन बना देता है, सामग्री बना देता है चांदी के सोने के, तुम्हारी दृष्टि में है कि ये गणेश है, यह लक्ष्मी है, यह आसन है, यह गाय है, वो बने हुए पूजा की सब सामग्री में, पर स्वर्णकार की दृष्टि में तो सब एक स्वर्ण ही है, चाहे गणेश फिर चाहे वह चूहा हो कि चाहे आसन हो। तो ऐसे ही जो ब्रह्म दृष्टि वाले हैं वो अखिल जगत को एक ब्रह्म ही देखते हैं, चाहे हाथी खड़ा हो कि कुत्ता खड़ा हो कि चाहे गाय हो कि चाहे सुअर हो कि कोई चांडाल हो कि चाहे कोई पंडित हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हसिनी सुनिचेव शुभाकेच पंडित समदर्शिना समभाव आ जाता है, वही पंडित है वही समाधिस्थ है। जिसकी दृष्टि से भेद टूट गया अब एक ब्रह्म के अलावा अन्य कुछ नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जूर जुग पानी, ऐसे वो सब के अंदर एक वह ब्रह्म तत्व ही देखता है, चाहे वो पत्नी हो कि पुत्र हो कि पुत्री हो कि नौकर हो कि चाहे कोई अन्य हो, सब में वही भाव। और शास्त्र आदेश भी दिया कि सिया राम मैं सब जग जानो और करो प्रणाम, उनको प्रणाम करो, गाली नहीं, पत्थर नहीं, डंडा नहीं, अपमान नहीं, प्रेम, क्योंकि प्रभु हमारे सब रूपों में बैठे हैं, ऐसे आदेश दिया है। अतः मुमुक्षुओं को ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो मुक्ति पाने के अभिलाषी जो हैं, जिनको मुमुक्षु कहते हैं, उनको केवल जानकारी कहो कि साधन कहो तो क्या, किस बात के लिए साधन करना है, ब्रह्म भाव को जागृत करने का ही करना। मुमुक्षु के लिए क्या करना कर्तव्य है, ब्रह्म भाव को ही बस जागृत करना है और कुछ करना नहीं। भ्रू मध्य में ध्यान करने से कल्याण नहीं हो सकेगा। क्या कहा, भ्रू मध्य में ध्यान करने से कल्याण नहीं हो सकेगा। फिर से बोलो, जोर से बोलो। भ्रू मध्य में ध्यान करने से कल्याण नहीं हो सकेगा। भ्रू मध्य का मतलब है ये दोनों भुवों के बीच में जहाँ ये माताएं बिंदी लगाती है कि तिलक खींचा जाता है, इसको कहते हैं भ्रू मध्य। तो यहाँ नासाग्राव लोकनी ये बच्चों का ध्यान है, इसलिए कहा दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत सा दृष्टि परमोदारा नासाग्राव लोकनी, उसी से कल्याण होगा। ये जो नासाग्र का भाव जो है या इसमें करने से कल्याण होने वाला नहीं, ये शंकराचार्य जी ने अपने अप्रोक्ष अनुभूति के अंदर ये सिद्धांत का निर्माण किया है कि यह भ्रू मध्य में ध्यान करने से मुक्ति का कल्याण का कोई संबंध नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ,
इस प्रकार अपने स्वरूप का भली प्रकार निश्चय एवं निष्ठा करने से ही समस्त अनात्म वृत्तियों का नाश हो जाता है। तो हमारे दुख और बंधन में है सब अनात्म वृत्तियां। मैं डायरेक्टर हूँ, सेक्रेटरी हूँ, ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, विद्वान हूँ, या और कोई प्रकार के पिता माता पति पत्नी पुत्र पुत्री हूँ, ये सारी अनात्म वृत्तियां ही हमारे दुख बंधन का कारण है। और इसको समाप्त करने का एक ही बस मंत्र है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस ये भाव तुम्हारा दृढ़ होगा, ये सारा कचरा अपने आप जल जाएगा इस ज्ञान अग्नि में कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। ये ज्ञान अग्नि है, यहाँ जो ये प्रकट हुई तो ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, ऐसा भगवान ने सिद्धांत बताया कि अगर तुम्हारे कोई पुण्य जग जाए और कोई सद्गुरु मिल जाए और तुम्हारे अंतःकरण में इस ज्ञान अग्नि को गुरु प्रकट करा दे तो वो फिर क्या होगा, समस्त जन्मों जन्मों के अनंत जन्मों के अनंत कर्म राशि भस्म हो जाए। समय नहीं लगेगा, जैसे किसी गुफा में, गुफा बोलते हो वर्षों से अंधकार है, लेकिन तुम अगर वहां जाकर दीपक टॉर्च लाइट या इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब लगा दोगे तो उस वर्षों हजारों वर्षों के गुफा का अंधकार को दूर होने में एक क्षण भी नहीं लगता है। तो ऐसे ही जब अंदर आत्म ज्योति ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाएगी तो ये जन्म जन्मों का अज्ञान और संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, देर नहीं लगती है। पर गुरु चाहिए ऐसा सामर्थ्यवान जो तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान अग्नि प्रकट कर सके। पर जिसका खुद का दीपक बुझा पड़ा है निरंजन जैसे का, और वो तो बेचारा दूसरों में कहाँ से आग प्रकट करेगा, कहाँ ज्योति प्रकट करेगा, खुद जो अंधकार में ही ठोकर खाए वो गुरु के पास अगर कोई पर पहुंच जाए तो वो भी गड्ढे में गिरेगा। लेकिन अगर कोई सामर्थ्यवान गुरु है जिसने अपने अंदर उस ज्ञान ज्योति को प्रकट कर रखा है और अब उसके पास श्रद्धा करके कोई दूसरा पहुंच जाए जिसका कि दीपक अभी प्रकाशित नहीं है, तो वह गुरु सद्गुरु उसके उस दीपक में अपनी ज्योति को ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतर कर सकता है, देर नहीं लगेगी। और जहाँ वो भाव जग गया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तो सब संचित कर्म और अज्ञान भस्म हो जाते हैं। इसे तत्वदर्शी ज्ञानी जन ज्ञान समाधि कहते हैं। इसी को ज्ञान समाधि कहते हैं, सहज समाधि कहते हैं। कबीर के जी के शब्दों में साधो सहज समाधि भली, उसमें कहा क्या क्या, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट नहीं धारू, खुले नैन पहचानू हंसी हंसी। क्योंकि अब दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब अपना ही रूप हो रहा है, सब दर्पण में जिधर देखो अपना ही रूप दिखते हैं। तो धरू ना ध्यान, छोड़ दिया ये ध्यान करने का झंझट ही, धरू ना ध्यान और करू नहीं जब तक, और राम रहीम नहीं गाऊं, ना मेरे को राम ना रहीम अल्लाह अकबर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कि शिवो हम सो हम बोलने चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरा साईं मुझे भजे मैं पाऊं विश्राम। इस तरह की इसी का नाम सहज समाधि है या ज्ञान समाधि भी इसे कहते हैं। एफर्ट्स लेस, साधन से रहित,
परमात्मा और जीवात्मा की एकता बताने वाले ज्ञान की उत्पत्ति का नाम ही समाधि है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों के एकता का ज्ञान का नाम ही समाधि है, अर्थात जो परमात्मा है वह ही यह शरीर में आत्मा रूप से विद्यमान है। क्षेत्रज्ञम जातिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, जिसको शरीर कहते हैं और जिसमें रहने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं यानी जीवात्मा, वो मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञम जातिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब शरीरों के अंदर जो चेतन तत्व बैठा हुआ है वो अखंड है। कैसा अखंड है? जैसे कि पुष्प माला में सूत्र, तो पुष्प माला में पुष्प अनेक है पर सूत्र सब में, तो ऐसे ही क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं ही सबके अंदर जीवात्मा रूप से विद्यमान हूँ। आत्मविचारार्थ चित्त के विक्षेप को दूर करने की आवश्यकता है। तो क्या करना है तुम्हें? आत्म विचार के लिए, आत्म ज्ञान के लिए अपने मन में चित्त में विक्षेप है उसको दूर करना है। और विक्षेप कब होता है? जब विषयों की वासना होती है। विषय वासना कब होती है? जिसको कि अपने अपना का बोध नहीं है तो वो विषयों को लेकर अपने को सुखी बनाना चाहता है। और ऐसा वह क्यों होता है? अज्ञान के कारण अपने आनंद स्वरूप आत्मा का निश्चय नहीं होता, इसलिए विषयों की वासना करता है और विषयों की वासना से उसका चित्त चंचल होता है। चित्त चंचल होने से ही दुख और बंधन होता है, इसलिए अपने विषय वासना से मन को उपरामता दिलाना है। किंतु उसके लिए ध्यान समाधि की आवश्यकता नहीं है, वो विचार के द्वारा ही होगा। ध्यान समाधि के लिए कुछ देर के लिए तुम वो संसार से अपने को अलग कर लोगे, पर वो कोई साधन सही नहीं है। जिस घर संसार के दुख के लिए तुमने शराब पी ली, तो उतने नशे में तुम्हें वो संसार की समस्या याद नहीं रहेगी, पर वो नशा तो उतर जाएगा, फिर वही समस्या सामने, वही दुख। तुम पिक्चर हॉल में बैठ गए संसार के, उतने समय के लिए तुम्हारा चित्त उससे हट गया, सिनेमा में जुड़ गया, पर सिनेमा से निकलोगे फिर वह की वही अवस्था। यही तुम्हारी पूजा पाठ और मंत्र माला का राज है, ये कोई मुक्ति पाने का मार्ग नहीं है, ये शांति पाने का मार्ग नहीं है। ये तो यही है कि सिनेमा हॉल में बैठकर कुछ देर भूल गए उस समस्या को, शराब पीकर उस समस्या को कुछ देर के लिए भूल गए, या भांग भंगोड़े लोग, बाबा लोग भंगोड़े गंजोड़ी क्यों बन जाते हैं, वो संसार के उससे भूल जाते हैं उस नशे में आकर। तो ये मंत्र माला पूजा पाठ भी आपको भुलाने के साधन है, सीधा आत्मा का स्मरण इसमें नहीं होता, बल्कि मन को इसमें उलझाए रखोगे तुम अपने सत्य लक्ष्य से दूर रहोगे। माला में मन लग गया, पूजा में मन लग गया, पर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अब ये याद ही नहीं आएगी, बस इसी खेल में लगा रहता है। तो सचमुच में तो हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध जागृत करना है, न कि इन जड़ कर्मों में अपने मन को भुला रखना है। ये जितने साधन हैं मन को भुलाए रखने के लिए, चाहे वो शराब पिए कि गंजा भांग करे, कि चाहे वो अपना कोई मंत्र जाप करे कि ध्यान
समाधि करे, पर ये एक भी साधन कल्याण के नहीं है। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक को साफ कहते हैं, जनक ये जो ध्यान समाधि के लिए तो प्रयत्न करता है, यही सबसे बड़ी तेरी मूर्ता है, यही तेरे दुख और बंधन का कारण है। ध्यान समाधि तुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू तो नित्य समाधिस्थ है, सहज समाधि है। जन्म से अहम निर्विकार हूँ, निराकार रूप हूँ, मैं तो निर्विकार हूँ, निराकार रूप हूँ, निर्विकल्प हूँ, मेरे को कोई प्रकार का विकल्प नहीं, इसलिए ध्यान समाधि की आवश्यकता नहीं है। वृत्ति निरोध करने की भी जरूरत नहीं है, प्राणायाम आसन धारणा एवं ध्यान आदि क्रिया की भी जरूरत नहीं है। तो ये जितने साधन किए जाते हैं मन को भुलाने के लिए, कि मन उस समस्या से अपने को भूला हुआ रहे। अगर होश में रहेगा तो उधर आत्मा का चिंतन करने में लगेगा, लेकिन अब बेहोश है तो वो संसार का ही चिंतन में रहता है। तो इसलिए कहा कि उसको ध्यान की, समाधि की, माला की, चौथी पाठ की, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है। कर्म के होए क्वेश्चन किया है राम ने, कर्म के होए स्वरूप ही चीने, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसा जिसने जान लिया उससे कभी कर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म हमेशा द्वैत भाव में होते हैं। जब तक द्वैत भाव नहीं होगा कर्म कभी भी नहीं होंगे, और एक अंतःकरण में दो प्रकार की वृत्तियां कभी नहीं रह सकती है। जैसे एक ही बर्तन में दो विरोधी तत्व नहीं रखे जा सकते हैं, कि दूध भी उसी में मिल जाए और दही भी उसमें मिल जाए, ये दो विरोधी हो गए। पानी भी उसी में हो और आग भी उसी में हो, तो ऐसे ही जिसके अंतःकरण में अहम ब्रह्मास्मि भाव जग गया, उसके द्वारा मोरे प्रभु तुम्हें एक स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी, ऐसा भाव कभी नहीं आ सकता। मौसम कौन कुटिल खल खामी, ऐसा भाव कभी नहीं आ सकता। किसके मन में? जिसने मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा हूँ, ऐसा बोध जिसे हो गया, फिर वो अपने में ऐसा वेद भाव नहीं ला सकता। जिसको विक्षेप रोग नहीं है उसे ध्यान समाधि वृत्ति निरोध के साधन रूप औषध लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जिसके मन में क्या चीज नहीं है? विक्षेप नहीं है, वासना नहीं है, फिर उसको ध्यान समाधि साधन करने की भी जरूरत नहीं है, वह साधन से मुक्त है, उसको और कोई साधन लेने की आवश्यकता नहीं। कोई साधन करेगा तो उसमें भी कर्ता भाव आएगा, और मैं कर्म कर रहा हूँ और कोई ईश्वर है जो मुझे फल देगा, ऐसा द्वैत भाव आएगा, तभी तो वो होगा। इसलिए कहा कि उससे कर्म जिसने आत्मनिष्ठा कर ली है उससे फिर भेद मूलक कर्म नहीं हो सकते हैं, कि चलो भगवान को जाके फूल चढ़ा दो, भगवान की थोड़ा ढिला दो, आरती कर लो। अरे जब तुमने अपने अंदर आत्मनिष्ठा को जागृत कर लिया तो फिर अब आत्म पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। आत्म पूजा में सबकी पूजा हो गई, जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, हाथी का पांव इतना बड़ा है कि उसमें सबके पैर आ जाते हैं, तो आत्मा की पूजा इतनी बड़ी पूजा कि दुनिया के सभी देवी देवता उसके अंदर आ जाते हैं। आत्मा समुद्र की तरह है और ये देवी देवता क्या है? लहरें, देव, वेव्स, इनकी कोई सत्ता है? जल ही की सत्ता है, पर मूल आदमी, ये तो गणेश है, ये तो हनुमान है, ये तो शंकर है, ये तो शनि है, इनकी तो पूजा करेंगे तो ये हमारा लाभ हो जाएगा, ये करेंगे तो ये रोग कट जाएगा, ये करेंगे तो ये लाभ मिल जाएगा,
मूर्ख मंद बुद्धि के अज्ञानी लोग आत्मा से विचलित हो जाते हैं, इन्हें पथ भ्रष्ट हो जाते हैं जो अन्य की उपासना करते हैं। तभी तो कहा कि कर्म की हो ही, अरे उससे कभी कर्म हो सकते हैं? कर्म का मतलब ये रेती फावड़ा लेके गड्ढा खोदना नहीं, पूजा पाठ भी ये कर्म में है, ये स्थूल कर्म है। और आंखें बंद करके जो मानसिक उपासना करते हैं वो सूक्ष्म कर्म है। तो जिसने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय कर लिया, अब उसको आंखें बंद करके ध्यान करने का सूक्ष्म कर्म या मंदिर स्थापना करके मूर्ति स्थापना करके अब पूजा पाठ करने की अब जरूरत नहीं। जिसने तीन देह तीन अवस्था से पृथक अपने को दृष्टा साक्षी चेतन आत्म रूप पहचान लिया, कैसा है अपने स्वरूप को? कहां कहां से? तीन देह कौन कौन से? स्थूल सूक्ष्म कारण। तीन अवस्था से कौन कौन सी अवस्था? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। और तीन गुण से कौन कौन से? तीन गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से। और तीन ताप से देहिक देविक और भौतिक, तीनों तापों से अध्यात्म अधिदेव अधिभूत से अलग क्या जाना? मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, बस हो गया कल्याण। करना कुछ नहीं, जानना है। जिसने तीन देह तीन अवस्था से पृथक अपने को दृष्टा साक्षी चेतन आत्म रूप पहचान लिया, उसके लिए कोई उपचार साधन की क्या जरूरत? तुम जैसे भी हो परमात्मा को स्वीकार है। अरे तुम्हारे को जब सर्दी जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, तो तुम्हें दवा खाने की जरूरत भी नहीं है। जिनको सर्दी जुकाम ज्वर आदि है वो अपना दवा खाएंगे। तो ऐसे जिसके मन में मल विक्षेप नहीं है उसको कर्म उपासना की दवा खाने की जरूरत नहीं है। जिसके मन में मल विक्षेप दोष है वो अपना कर्म उपासना साधन करे, लेकिन जिसके मन में विक्षेप नहीं वह अपने साक्षी भाव में ही बस दृढ़ रहता है, उसे कर्म उपासना करना नहीं पड़ता। छोटा बच्चा जैसा भी गंदा ही क्यों ना हो माँ को वैसा ही स्वीकार है। तुम नाहक दौड़ धूप मत करो, तुम जैसे भी हो वैसे ही ठहर जाओ। संसार में बिना दौड़े बिना कुछ किए नहीं मिलता, यह बात यथार्थ है। संसार के अंदर देखा जाता है तुम जैसे भी गंदे बच्चे हो, माँ की गोद में तुम्हें बैठने का अधिकार है। माँ ये नहीं चाहेगी कि ये बच्चा नहा के आएगा साफ कपड़े पहन के तब मेरे गोद में बैठेगा। तो ऐसे ही तुम अपने को परेशान हो, परमात्मा तुमको हर अवस्था में स्वीकार करता है। तुम उसके लिए कुछ अलग साधन करने की जरूरत नहीं, परमात्मा ने गोद में माँ की गोद में बैठना जैसे बच्चे का अधिकार है, ऐसे ही परमात्मा के साथ तुम्हारा एकता का भी पूर्ण अधिकार है। तुम उसकी संतान हो, वो तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। संसार में बिना दौड़े बिना कुछ किए नहीं मिलता है। परमात्मा ही एक ऐसी चीज है जो विचार मात्र से मिल जाती है, और संसार में तो कोई ऐसी चीज नहीं जो बिना साधन के बिना कुछ किए मिलती हो। पत्ता भी तोड़ना है तोड़ूंगा नहीं, फूल भी तोड़ना है तो साधन करना पड़ेगा, हाथ को लंबाना पड़ेगा। आग भी खोलने और बंद करने में शक्ति समय लगता है, पर परमात्मा को पाने में न समय न शक्ति, क्योंकि वो हमारा ही स्वरूप है। अगर है तो केवल समझने की ही देरी है, और परमात्मा को पाने के लिए कोई देरी नहीं।
यहाँ बिना दौड़े बिना कुछ किए सब कुछ मिलता है, परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के देश में, परमात्मा के क्षेत्र में, बिना कुछ दौड़े या बिना कुछ किए सब प्राप्त होता है। यानी राजा का बेटा अगर है तो फिर उसको फिर कहीं दौड़ने की या कोई प्रकार से साधन करने की जरूरत नहीं, वो बाप की संपत्ति का अधिकारी ही होता है। तो तुम परमात्मा की अमृत की संतान हो तो सारा संसार के ही तुम मालिक हो, फिर तुम्हें कोई साधन करने की कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मिलता है कहना भी वाणी का दोष है। हाँ, ये कहना भी वाणी की कमजोरी है, क्योंकि कभी अलग हुए ही नहीं तो मिलेगा क्या। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जब तुम परमात्मा की संतान हो तो सब कुछ परमात्मा का सामान और सर्वमात्मा का शक्ति तुम्हें भी प्राप्त है। यहाँ तो सब कुछ मिला मिलाया हुआ ही है, मिला मिलाया हुआ कहना भी भूल है। यहाँ मिला मिलाया कुछ भी नहीं बल्कि स्वयं ही सब कुछ है। यदि परमात्मा के लिए दौड़े कुछ किया तो परमात्मा खो जाएगा। अब समझ में आ रहा है ये बात, नहीं आई है? अगर मृग कस्तूरी के लिए खोज में दौड़ गया, चला गया, अब ये इसने प्राप्त कस्तूरी को खो डाला। मृग कस्तूरी की खोज में चला गया है तो इसने बहुत बड़ा नुकसान किया। क्या नुकसान? कि प्राप्त कस्तूरी को अब खो दिया, क्योंकि अब इसकी इधर दृष्टि आएगी नहीं, उसकी दृष्टि तो खोज में ही। तो जिसने परमात्मा की खोज में जो निकल गया, अब उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। खोज में जो निकल गया वो बाहर देखेगा, इस ओर उस ओर, इधर उधर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसको अपनी तरफ दृष्टि आएगी नहीं। तो उसने बहुत बड़ी महत्व विनष्ट नहीं हुआ, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। किसने? जो परमात्मा की खोज में निकल गया है कि ये साधन से मिल जाएगा, वो साधन से मिल जाएगा, वहां जाने से मिल जाएगा, तो वो उधर ही उधर दृष्टि करेगा, अपनी ओर दृष्टि कर नहीं पाएगा। जिस मृग ने रास्ता पकड़ लिया है वो अपनी तरफ, नाभि की तरफ उसकी दृष्टि नहीं आएगी। इसी वाक्य को फिर पढ़ो। यदि परमात्मा के लिए दौड़े कुछ किया तो परमात्मा खो जाएगा। कुछ किया, कोई भी साधन किया, तो प्राप्त परमात्मा पर दृष्टि न जाकर अप्राप्त को पाने में जीवन लगा दोगे। अप्राप्त को पाने में जीवन चला जाएगा, यहाँ नहीं वहाँ, इसमें नहीं उसमें। तो क्या हुआ? वो जो खुद प्राप्त था वो खत जीवन तुम्हारा उसके बिना नष्ट हो जाएगा। तो परमात्मा के प्रति कोई साधन करने की जरूरत नहीं, केवल ना समझी को ही दूर करना है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग क्या करे, कहाँ जाए कस्तूरी के लिए? संसार का पाना व परमात्मा का मिलना बिल्कुल विपरीत सिद्धांत पर खड़े हैं। क्या क्या फिर से? संसार का पाना व परमात्मा का मिलना बिल्कुल विपरीत सिद्धांत पर खड़े हैं। संसार का पाना और परमात्मा का मिलना। परमात्मा तो मिलाया हुआ ही है, और संसार कभी मिलने वाला ही नहीं है। तुम मरुस्थल के अंदर जल को ढूंढते चले जाओ, वो कभी मिलने वाला ही है ही नहीं, तो मिलेगा क्या। तो संसार और परमात्मा को पाना ये एक दूसरे विपरीत दिशा की बात है। परमात्मा ठहरने से मिलता है, कुछ नहीं करने से मिलता है, और संसार करने से मिलता है।
पर करने से मिलता है फिर भी वो नाशवान है। संसार की कोई भी वस्तु करोगे तो प्राप्त होगी लेकिन वो भी नाशवान है। परमात्मा तो बिना किए नित्य प्राप्त तुम्हारा स्वरूप ही है। दौड़ने के कारण ही तुम्हें उसका पता नहीं चल पाता, बस जो वो हो जो भाग रहा है दौड़ रहा है इस कारण से वो पता नहीं हो रहा है। पानी का बर्तन हिला दोगे तो वो सूर्य चंद्रमा का पता नहीं लगेगा, स्थिर बर्तन पर ही उस पानी के स्थिर पात्र पे ही उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो तुम जब दौड़ने में लगे हो खोजने में लगे हो तो उसका पता नहीं लगेगा, स्थिर होकर बैठोगे शांत होकर तभी उसका पता लगेगा। इसलिए केवल उसे जानने का प्रयत्न करो। परमात्मा तुमसे अलग भिन्न नहीं है, इन जड़ साधनों में जीवन बर्बाद मत करो। आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम अपने को पहचाने, राम को पहचाने, परमात्मा को पहचाने, आत्मा को पहचाने, मैं को पहचाने, क्योंकि यहाँ पर मैं के अतिरिक्त आत्मा के अतिरिक्त परमात्मा के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है। अन्य की भावना करना बंधन का कारण है, दुख का कारण है। अतः एक मैं के अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यवहार इस प्रकार हो जैसे हम अपने शरीर के प्रति कर रहे हैं, तो हर समय उन कर्मों में यही विचार होता है कि कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो मेरे शरीर को। इस सावधानी से कर्म करते हैं, इसी सावधानी से हमें अन्य के प्रति भी विचार करना चाहिए। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। बोलो सद्गुरुदेव की जय, सच्चिदानंद परमात्मा की जय।